हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं और एक बढ़िया और कंसेप्शुअल टॉपिक और इसमें बहुत सवाल बनते हैं चेन पे तो हम निकालने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्म चेन जब वो ग्रेविटी के अंडर यानी कि कोई दूसरे फोर्स अभी एक नहीं कर रहे हैं सब मान रहे हैं हाँ या, यानी कि नॉर्मल वो सब बातें अलग है क्योंकि देखो अब ये मान लेते हैं हमारी चेन है ठीक है चेन है हमारी और क्या है यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका पूरे का मास एम है और इसकी जो लेंथ है वो एल है ठीक है अब हमें पोटेंशियल एनर्जी इसकी निकालनी है चेंज की क्या होगी अब देखो इसमें हम डायरेक्ट एम अप्लाई नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि सारा मास एल हाइट पे नहीं है अलग अलग मास अलग अलग हाइट पे है देखो ये कुछ डी मास कुछ ये एक्साइड पे है और ये डी एम मास वाई हाइट पे है तो उनकी अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी हो हर एक पोटेंशियल एनर्जी को हमें सम अप करना होगा और इस केस में हमें इंटीग्रेट करना होगा और तब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी हमारे पास ठीक है तो चलो वो करते हैं निकालते हैं तो देखो मैं एक एक्स डिस्टेंस पे देखो देखना ध्यान से एकदम ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्स डिस्टेंस पे एक डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट लेता हूँ कितने थिकनेस का एलिमेंट लेता हूँ डीएक्स डी एक्स क्या वेरी स्मॉल बहुत छोटी क्वांटिटी है इतना छोटा लेंथ है कि उस पी हाईट, उसकी हाइट उसकी हाइट ऑलमोस्ट हम एक्स मान सकते हैं जमीन से हम इतना छोटा एलिमेंट क्यों ले रहे हैं क्योंकि इतना छोटा है कि ऑलमोस्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होगी क्योंकि हाइट ऑलमोस्ट एक्स ही है तो ये वेरी स्मॉल है अब इसका जो मास होगा स्मॉल मास वो डी मान लेते हैं स्मॉल मास जो है वो क्या मानते हैं हम डी तो डीएम निकालते डी एम क्या होगा डी होगा मास पर यूनिट लेंथ जिसको मैं अभी लैमडा बोल रहा हूँ लैमडा है मास पर यूनिट लेंथ लैमडा इंटू डी ऐसा कब लिख सकते हैं जब लैमडा यूनिफॉर्म हो लैमडा कांस्टेंट हो ठीक है अब देखो लैमडा क्या होगा मास बाय लेंथ लेमडा बराबर एम बाय एल हो गया एम बाय एल सीधा हमने बोल दिया कि, कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इसको इधर पुट करो तो डी एम इक्वल टू एम डी एक्स बाय एल डी एम आ गया अब ये छोटे से एलिमेंट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी डी यू वो भी डी यू मान रहे क्योंकि वो भी बहुत छोटी होगी मास बहुत छोटा है डी यू वो होगा डी एम जी एच और एच क्या है इस केस में एक्स जितनी हाइट ऊपर मास इंटू जो हाइट पे है इंटू ग्रेविटी अब डीएम की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो इसमें डी इंटू एक्स डिफ्रेंसिएशन का सिम्बॉल है तो डी यू बराबर एम जी एक्स बाय डी एक्स अब बस इंटीग्रेट करना रह गया हमारा इधर इंटीग्रेट करो कुछ और इधर भी इंटीग्रेट करो ज़ीरो से एल और जीरो से यू पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इनिशियली ज़ीरो थी जब एक्स इक्वल टू ज़ीरो तो था तो यू माइनस जीरो इक्वल टू तो एम जी बाई एल इंटू एक्स का एक्स बी एस का इंटीग्रेशन क्या होता है माई डियर फ्रेंड्स वो होता है एक्सक्वायर बाई टू तो सीधा एक्सक्वायर बाई टू इधर डाल दो और ये कर दो ज़ीरो से एल क्योंकि ये हमने ज़ीरो से एल देने तक हम इंटीग्रेट करें तो इसको एम जी बाय टू इंटू एम जी बाय टू नहीं सॉरी एम जी बाय एल ही वो गलती से टू कर दिया कोई बात नहीं ऐसा तो होता है गलतियाँ तो होती रहती हैं एम जी बाय इंटू ये एल स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर बाई टू तो इसको लिख दो एम जी बाय एल इंटू एल स्क्वायेर बाय टू और सीधा हमने बोल दिया कि इधर से हमारे पास आ, तो देखो सीधा इधर से बोल दिया एल से एल कैंसिल हो गया तो इसको मैंने बोल दिया एम जी एल बाई टू और ये हुआ चेन की पोटेंशियल एनर्जी कब कब होगी ये पोटेंशियल एनर्जी जब वैन ग्राउंड वैन ग्राउंड और लैंड भी बोल दो आवर रेफरेंस रेफरेंस यानी कि ग्राउंड या फील्ड लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी हमने ज़ीरो मानी है तब होगा हमारा तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई अब देखो ध्यान से इसको मैं एम जी अलग एम जी इंटू एल बाई टू लिख सकता हूँ अब ये जो आ, चेन है हमारी हमारी प्यारी चेन है जो एल लेंथ की है तो मैं इसको देखो ये मान लो अगर मैं सारा मास को इधर में मिड पॉइंट पे इसको मैं देखो ये ही पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं एक ब्लॉक को एल बाई टू हाइट पे टांग दूँ एम मास को तभी यही पोटेंशियल एनर्जी आएगी यानी कि ये एल बाई टू क्या हुआ इसका एल बाई टू हुआ सेंटर ऑफ मास क्यों क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जब कोई बॉडी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो उसका जो मास सेंटर होता है मास सेंटर मतलब क्या मास सेंटर मतलब वो पॉइंट जिसको हम ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम वो बॉडी का सारा मास वहाँ पे कन कन कन्वर्ज मतलब सारा मास को हम वहाँ उस पॉइंट में मान सकते हैं उस बॉडी को पॉइंट मास मान सकते हैं उससे एनर्जी कॉन्फिग्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता है हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास को फिजिक्स में ही आगे पढ़ेंगे लेकिन इतना याद रख ल, रख लो कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी वो होता है यू इक्वल्स टू मास जो बॉडी का है इंटू ग्रेविटी इंटू एच सी एम सेंटर ऑफ मास की हाइट कहाँ पे और सेंटर ऑफ मास अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास हो कोई बॉडी में तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसके जोमेट्रिक सेंटर यानी कि उसके मिड पॉइंट पे उसके सेंटर पे ही होता है हाँ ऐसा मिसकन्सेपन मत कर देना कि हर बार पोटेंशियल एनर्जी मतलब सेंटर ऑफ मास मास ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा हर बार नहीं होता जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है तब हम uh, हाइट जो होती है सेंटर ऑफ मास की वो वही नहीं रहती है जब अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो तब हम क्या करेंगे तब हम तो हाँ जब पोटें जब अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर ना हो कोई एक्स एफ एच का फंक्शन हो तब हमें इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास हमें निकालना अभी नहीं आता वो हम बाद में सेंटर ऑफ मास में आराम से सीख लेंगे वो बाद में चुटकियों का काम होगा लेकिन हाँ अगर हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली तो हम सेंटर ऑफ मास की हाइट तो निकाल ही सकते हैं लेकिन अभी वो हमारा मेन मुद्दा नहीं है हम सेंटर ऑफ मास की मदद क्यों ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी निकालने में तो याद रखना है जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कोई बॉडी की सेंटर ऑफ मास की जमीन से हाइट मतलब रेफरेंस से हाइट इंटू उसका बॉडी का मास इंटू ग्रेविटी वही होती है जैसे मैं बोल दूँ अगर ये हमारा टेबल है क्या है हमारा टेबल है और ये चेन लटकी हुई है ऐसे इधर पूरी चेन की लेंथ जो है वो एल है और ये को टू एल बाई थ्री लटकी हुई है और पूरा एम मास है उसका तो हम इसका पोटेंशियल एनर्जी मानना है निकालना है कब जब यहाँ ये टेबल का पोटेंशियल रेफरेंस हमें माना है टेबल को तो देखो इतने पार्ट जो टेबल पे है इसको ये इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ ये पार्ट ए पार्ट बी लटक रहा है वो पार्ट बी अब देखो इसको मैंने ये पार्ट बी है हमारा बी अब मास ये लेंथ ट्वेल्व बाई थ्री तो अगर लेंथ ट्वेल्व बाई थ्री तो क्या इसका मास टू एम्ब बाई थ्री नहीं होगा बिल्कुल होगा क्योंकि लेंथ जो है मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सीधा यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दो मास आ सकता है बी पार्ट का मास टू एम्ब बाई थ्री तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी रेफरेंस से कितना हाइट ऊपर या फिर नीचे अगर नीचे हुआ तो माइनस लगा दो सीधा अब नीचे इसका ज्योमेट्रिक सेंटर कितना नीचे है एल बाई थ्री देखो ये लेंथ हुई एल बाई थ्री क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सेंटर है और पूरी लेंथ टू एल बाई थ्री है तो इसकी यू जो होगी वो हो, माइनस लगाना है क्योंकि नीचे है माइनस एम एम इसमें क्या है टू एम बाई थ्री क्योंकि हम अकेले बी पार्ट का निकाल रहे इसलिए टू एम बाई थ्री हुआ माइनस टू एम बाई थ्री इंटू जी इंटू एच सी एम एच सी एम क्या है एल बाई थ्री क्योंकि सीधा मैंने बोल दिया जो यू बी आ गया वो माइनस टू एम जी एल बाई नाइन अब बात करते हैं यू ए की ए की पोटेश एनर्जी ए अभी ज़ीरो हाइट पर है, पे है तो जो यू ए होगा वो एम बाई थ्री इसका मास अब एम बाई थ्री होगा क्योंकि लेंथ एल बाई थ्री है जी इंटू जीरो जीरो अब ये चेन की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी यू चेन वो क्या होगी यू ए प्लस यू बी ये तो जीरो हो गया और ये क्या आ गया यू बी क्या है माई डियर फ्रेंड्स ये है माइनस टू एम जी एल बाय नाइन यानी कि हमने चेन का ऐसे कोई चेन दे रखी है तो हम सीधा पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फायदा क्यों हुआ अब हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा इस केस में क्योंकि हम ग्रेविटी का वर्क डन निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी तो यानी से हम सीधा वर्क डन ऑफ बाय ग्रेविटी नहीं निकाल सकते अब ये क्या बात हुई हम तो पहले वर्क डन बा ग्रेविटी से हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली और बाद में वही पोटेंशियल एनर्जी से हम वापस वर्क डन द ग्रेविटी निकाल रहे हैं इससे सिंपली हम निकाल सकते हैं इसका जवाब ये है कि हम आसानी से निकाल सकते हैं तो ये वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग